अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी ने इसी साल मार्च में हुई ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों के लिए दिए गए मुआवजे को अप्राप्त बताते हुए नंदगांव व जिला उपायुक्त कार्यालय भिवानी के सामने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया है। जिला उपायुक्त की तरफ से तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। नंदगांव में प्रदीप वाल्मीकि की 22 जून की रात को 25 बकरियां चोरी हो गई। उनकी बरामदगी में वह चोरों को पकड़वाने हेतु किसान सभा का प्रतिनिधि मंडल जिला हेडक्वार्टर उप पुलिस अधीक्षक से मिला। उन्होंने सदर थाना इंचार्ज को आदेश दिया कि वे गरीब आदमी की बकरियां शीघ्र बरामद करवाए। प्रदर्शनकारी किसानों को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिला उप प्रधान कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि मार्च 2024 में अचानक ओलावृष्टि ने कई गांव में तैयार होने वाली सरसों, गेहूं व अन्य फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उस समय भिवानी तहसील के गांव नंदगांव, मनहेरू, धारेडू, गोरीपुर, कितलाना, झरवाई, मध्य माधवी, नांगल व दादरी जिले के डोकी व अन्य गांव में ओलावृष्टि से 100% फसलों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि किसान सभा पीड़ित व प्रभावित किसानों के लिए 50,000 रुपए प्रति एकड़ के लिए मुआवजा लेने की मांग को लेकर आंदोलन करेगी। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि जिले के किसानों का बकाया बीमा क्लेम मुआवजा दिया जाए तथा विद्वान गांव में चल रहे टावर आंदोलनकारी किसानों को प्रति टावर 5 लाख रुपए किसानों को मुआवजा दिया जाए। भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। कुछ पता है कि कोई जानकार है या कुछ पता नहीं है जी? कोई समाधान नहीं है। पुलिस वाले भी आए नहीं है जी, मौका पे जी चार पाँच दिन हो गए। क्या मांग करते हैं प्रशासन? प्रशासन मांग करती है जी हमारा समाधान हो जाए, हमारी बकरियाँ मिल जाए।